टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के धामनकर नाका पटेल कंपाउंड में जिलानी नामक इमारत धराशायी हो गई। इस हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बीती रात 3:40 पर यह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। रात का समय था, सभी परिवार सो रहे थे और अचानक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही NDRF की टीम पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसके अलावा दमकल विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एम्बुलेंस और जिम्मेदार अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद थे। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 30 से भी ज़्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं 20 लोगों को रेस्क्यू कर मलबे से बाहर निकाला गया है, जिसमें एक ओवैस अंसारी नाम का लड़का जो इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता था, उसे आज सुबह बाहर निकाला गया मलबे से। ओवैस को मामूली चोटें लगी हैं। बहरहाल 10 लोगों की मौत इस भयानक हादसे में हुई है। राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं PM नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पूरी बिल्डिंग के अंदर लगभग 54 फ्लैट है, लेकिन आधे हिस्से की बिल्डिंग गिरी है। उसके अंदर 25 से 26 फैमिली के अंदर अभी तक की पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की रेस्पॉन्स टीम के अलावा थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की DDRF और स्टेट सेंटर की तरफ से DDRF की टीम को हमने बुला लिया। उनके लोग यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और उससे हम सबसे हमारा पहला फोकस रेस्क्यू अभी तक अंदर कितने दबे हैं उसका एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, पर जैसे मैंने कहा कि 24 से 25 फैमिली इसमें एक्सपेक्टेड है और अभी तक अभी इन्फॉर्मेशन के साथ 5 डेथ कंफर्म है और 11 पेशेंट एडमिट हैं। क्या ये बिल्डिंग धोखादायक? बिल्डिंग धोखादायक उसके नोटिस दे रखा है। तो नोटिस लगाने के बाद क्या प्रोटेक्शन लेके खाली कराने की मनपा ने प्रयास किया था इस बिल्डिंग को? अभी मैं वही कह रहा हूँ, हमारा सबसे पहला फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। इस सब की जानकारी बाद में आपको डिटेल देंगे कि उसके लिए क्या कार्रवाई की गई। सबसे पहला फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पे। कितने साल पुरानी ये बिल्डिंग थी उसकी जानकारी मुझे नहीं है। उसका सबसे पहले आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन सर कितना एम्बुलेंस लगा है, अभी तक कितने लोगों को निकाला गया है, लोगों से क्या आह्वान करेंगे जिस तरह से रास्ते में भीड़ थी? लोगों से आह्वान यही करूंगा कि इस समय पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम हमारे पास मौजूद है आसपास के, यहाँ पे भीड़ करने की जरूरत नहीं है। हम जितना रेस्क्यू ऑपरेशन इजीली कर पाएंगे उतना लोगों से मैं मदद की उम्मीद करूंगा और हमारे पास सफिशियंट नंबर में एम्बुलेंस और डॉक्टर मेडिकल स्टाफ। सर देखा जाए शहर में करने का समय होगा, लेकिन अभी मैं बार बार आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रेस्क्यू ऑपरेशन।